हे गाइस, कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड एक का हमारा सवाल ये भी आता है कि भाई यदि मान लो इनवॉइस किसी और के नाम पर पेमेंट आपने की हो तो क्या करें कि भाई जो वो इनवॉइस का इसका चक्कर निकल जाए और आपका जो केस है अपने नाम पे ही फाइल कर पाए। सबसे पहले तो ये करिएगा, जो आपने पेमेंट करी है उसकी बैंक स्टेटमेंट या जिसके भी थ्रू आपने पेमेंट की है वो स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा। निकाल लिया हमने, इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। देन जो आपने ये इनवॉइस है, इनवॉइस पे नाम किसी और का, एड्रेस किसी और का है और आप पेमेंट आपने की है। अब कंज्यूमर कोर्ट कह रहा है कि भाई आपका तो केस है नहीं क्योंकि इनवॉइस पे तो किसी और का लिखा नाम, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने उसको गिफ्ट देने के लिए, ठीक है, ये मतलब गिफ्ट देने के लिए मैंने उस मतलब उनका नाम लिखा था और उनका ही एड्रेस लिखा था, ठीक है। तो उसमें जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि आप उसको डिलीवर ही नहीं हुआ आपको ये प्रोडक्ट, या आपको रिफंड ही नहीं आया, तो आप ये कह सकते हो कि भाई डिलीवर ही नहीं हुआ तो उनको, और इससे मेरा एक तो ये बिगड़ा कि भाई उनको डिलीवर नहीं हुआ, दूसरा मेरा ये बिगड़ा मेरे पैसे बेकार गए, ठीक है। यदि डिलीवर का केस हो, यदि आपको रिटर्न रिप्लेस करवाना हो, रिटर्न रिप्लेस के चक्कर इस केसेस में आप ये कर सकते हो कि भाई जैसे रिटर्न रिप्लेस करवा लिया आपको रिफंड नहीं आया, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने अपने भाई किसी को पे मतलब गिफ्ट किया था लेकिन उसको पसंद नहीं आया, अब तक रिफंड देखो भाई उसके भी काम नहीं आया, मेरे भी काम नहीं आया, मैंने पैसा भी पे कर दिया और जिसके नाम से मैंने इनवॉइस कटवाया था क्योंकि मैं उसको गिफ्ट कर रहा था, गिफ्ट कर रहा था, आप ये दिखाइएगा गिफ्ट कर रहा था, ठीक है। तो कोर्ट में आप ये दिखा देते हैं कि इसको आप गिफ्ट कर रहे थे और आपने पेमेंट किया लेकिन इसको जैसे कि इसको भी अच्छी सर्विस नहीं मिली, तो इसी कारण से आप ये केस खुद फाइल कर रहे हैं। यदि फिर भी कोर्ट ना माने तो अपना एक एफिडेविट दे सकते हो कि भाई ये जो फलानी फलानी पेमेंट है ये मैंने की है इस नंबर, इस बैंक अकाउंट से, ये बैंक स्टेटमेंट का रेफरेंस नंबर है और मैंने ही पे किया है, ठीक है। तो अपना एक एफिडेविट भी आप दे सकते हो। तीसरा उपाय ये है कि भाई यदि फिर भी कोर्ट ना माने तो यदि कोई इस नाम का बंदा ही हो उसका भी आप अपना कोई लिखवा सकते हो, अपने घर में कह सकते हो कि भाई भाई मतलब कि मेरी कोई रिलेटिव है या मेरे भाई बहन है, मैंने उसके नाम से इनवॉइस कटवाया था और अपने नाम से नहीं कटवाया था, और ये इसका घर का नाम था, पेट नेम, ये आपका खुद का ये पेट नेम है घर का, ठीक है, और केस आपका ही है। और इस तरह से जब आप लिखेंगे अपना केस तो अलियास बीच में आएगा, जो हम एट द रेट लिखते हैं ना अमेजोन जीमेल से पहले एट द रेट, तो उसको ये अलियास कहते हैं। तो ऐसे जैसे आपका नाम है मान लो शिखा है, शिखा अलियास जो भी आपने नाम दिया है अपने इनवॉइस पे, मान लो हिमांशी दिया, शिखा अलियास मतलब एट द रेट वाला, ठीक है, शिखा अलियास हिमांशी, तो इस तरीके से आप अपनी केस तैयार करेंगे। यदि आपका नाम के आगे शिखा कंसल आता है या अग्रवाल आता है, कुछ भी आता है, तो अपना पूरा नाम लिखेंगे, फिर अलियास जो भी आपने इनवॉइस में नाम दिया वो, तो इस तरीके से अपना केस फाइल कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप ये कह दो कि मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए किया था और उसको भी गिफ्ट भी नहीं मिला और मेरे पैसे भी बेकार गए, उसको गिफ्ट नहीं मिला, मेरे भी पैसे बेकार गए, तो कहीं ना कहीं जब पेमेंट मैंने किया तो कंज्यूमर मैं ही हूँ क्योंकि पेमेंट तो मैंने ही किया। इस तरीके से आप जो इनवॉइस पे नाम की दिक्कत है उसको हटा सकते हैं। तो यदि फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई केस फाइल करवाना तो आप हमसे केस भी फाइल करवा सकते हैं, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल की जो भी अपडेट होती है वो सभी आपके काम के लिए होती है, ज़्यादातर जो भी वीडियो बनती है कंज्यूमर्स की हेल्प के लिए ही बनती है। चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, थैंक्स के रूप में कमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना चाहता तो थैंक्स कर लिख दीजिएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो और हमारे अदर चैनल जो कि दिवांशी व्लॉग के नाम से हैं, दिवांशी और भी मतलब जो आपको चैनल लिस्ट में मिल जाएगा, हमारी यूट्यूब चैनल की चैनल लिस्ट में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, और हमारे जो फेसबुक पेज है दिवांशी पेज के नाम से उसको भी लाइक फॉलो जरूर करिएगा। तो और लिंक पर भी हमारा पेज है दिवांशी के नाम से, और मतलब हमारे ऑल सोशल मीडिया पर लिंक है दिवांशी के नाम से, DEEVEE, इसको भी जो DEEVEE, NSHI, तो हमारे ऑल सोशल मीडिया पर ये नाम है, तो उनको भी जरूर लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हैव अ नाइस डे, बाय। तो आज के लिए इतना ही।